हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज बात करते हैं सबा के ब्लॉग की, जिसमें इन्होंने ईदी बनाई है। भाई के उसमें ब्लॉग में तो हम देख ही चुके हैं, बट अब एक और एंगल से भी तो ईदी देखनी बनती है ना भाई। तीन ब्लॉगर हैं, ऐसे थोड़ी ना। और लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, उसमें आप लोगों ने कहा था कि माइक की आवाज़ ठीक नहीं आ रही। तो एक्चुअली मेरा वो लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट माइक चल रहा था, मेरा माइक यूज़ ही नहीं हुआ था तो उसकी वजह से। बट थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, होपफुली अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। और अगर अभी भी ठीक नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल शादी में गए थे ना, जब हम बिना हिजाब लेके गए थे। तो फ्रेंड्स, हम आते ही ऐसे ही सो गए। फ्रेंड्स, हम थक जाते हैं तो फिर ऐसे ही सो जाते हैं, कौन मेकअप हटाएगा। तो ये काले गड्ढे नहीं है, ये काजल फैल गया है हमारा। फ्रेंड्स, अब ऐसे काले गड्ढे तो भाभी के हैं, क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन रहती है। हमें क्या टेंशन, खाया पिया उड़ाया सोया, और क्या टेंशन। तो हम तो आराम से अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। फिर हम सीधा अम्मी के घर पहुंच जाते हैं। सुबह उठते ही अम्मी क्या कर रही हो? हाँ बेटा, करेले बना रही हूँ, काट रही हूँ। अम्मी सलाम कर दो। और मम्मी कहती है भैया ये शर्माने वाला सलाम नहीं करूँगी, बहुत मजाक बनाते हैं तुम्हारे व्यूअर्स। और ये क्या कर रही है रिज़ा? अम्मी रिज़ा को आटा गूंदना सिखा रही है। अम्मी ऐसे हमें सिखाती थी और जो हमने कभी नहीं सीखा, लेकिन अम्मी अब रिज़ा को सिखा रही है। एक्चुअली काम करवा रही है, हम ऐसे ही बोल देते हैं सिखा रही है। भैया रिज़ा से तो खूब तुम काम लेती हो, तुम्हारी अम्मी भी काम लेती है, और अभी तुम मेहर भी ले आई हो और काम करने के लिए घर का। खुद तो सीख लो, खुद करा करो थोड़ा बहुत। हम बनाएंगे करेले, जिसमें अम्मी ने करेले काट दिए, प्याज काट दिए, और बाकी सारा सामान बेटी खाला ने रख दिया कि ये डालना है डब्बे सजा के। तो हमने सिर्फ डाल दिया है, 2 बार चला दिया है, उसके बाद बेटी खाला संभाल लेंगी। तो ऐसे बनते हैं हमारे करेले। फ्रेंड्स, बताना कैसे लगे, अच्छे लगे कि नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, बता देना अगर करेले की शक्ल अच्छी नहीं दिख रही हो तो। और फिर ऐसे कमेंट्स करते रहना फ्रेंड्स, मेरी एंगेजमेंट बढ़ती रहेगी। फ्रेंड्स, ऐसे मत छोड़ा करो मुझे। आजकल वैसे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं पसीना पसीना होके। 2 बार चम्मच चलाया था किचन में, लेकिन इतना पसीना हो गया है फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे घर की लेडीज़ काम करती हैं। मुझे तो सारे दिन एसी में सोए रहना, पड़े रहना अच्छा लगता है। मैं सारे दिन एसी में बेड तोड़ती हूँ और सारे दिन कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स डिलीट करती हूँ, उनको लाइक करती हूँ। सितारा यासीन और 2-4 जो हमारे पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं उनको देख लेती हूँ, ताकि मुझे भी कुछ कॉपी करने को मिल जाए। भाभी के रीड कर लेती हूँ कमेंट्स, उनको कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। 2-4 पॉडकास्टर के भी सुन लेती हूँ कभी कभार कि मुझे कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। और यहाँ पे ये इसके पीछे पड़ जाती है मेहर के। मेहर किचन में होती है। मेहर, तुम यहाँ क्या खा रही हो यहाँ पे? अरे बच्ची बेचारी, बिन माँ की बच्ची है, यहाँ पे लेके तो तुम आगे काम करवाने के लिए। वो बच्चे बेचारी कहते हैं पानी पी रही थी, मुझे गिलास नहीं मिल रहे थे, 2-3 दिन हो गए से अभी तक गिलास ही नहीं पता है। इसको ऐसे डर के रहना पड़ रहा है यहाँ पे कि बेचारी पानी भी पी रही है। तो यहाँ पे माता जी चढ़ गई उसके सर पे। और यहाँ सनी की तो ऐश लगी हुई है भैया, थाली सजा के, थाली भर के, दाल चावल सब्जी सैलड काट के खाने को मिलता है, पूरा दूल्हे राजा। और अम्मी को देखो गुस्से में देख रही है एकदम कि खा पी रहा है, मेरी बेटी कमा रही है, ये खा रहा है सारे दिन और तोड़ता रहता है एसी में पलंग, और यहाँ कुछ काम धाम करता नहीं है, पूरा नाट लाट सा बना हुआ है। तो देखो अम्मी के एक्सप्रेशन देख लो, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन ऐसे देने चाहिए जो बंदा काम वाम ना करे और सिर्फ घर जमाई बन के जबरदस्ती बैठा रहे। फ्रेंड्स, अभी हम घूमने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही कार स्टार्ट हुई मैं भाग के बैठ गई, और फिर फ्रेंड्स हमने बोल भी दिया था, मैं तो ऐसे ही कपड़ों में आ गई। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की लाइट देखने। और फ्रेंड्स, उसमें मेरा कोई काम नहीं है, मेरा दिमाग तो चलता नहीं लाइट्स वाइट चूज़ करने में। बट जाऊँगी ना वहाँ, ये बोलूँगी ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये सब बोलना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ये हमारी पहली ट्रिप है, इस व्लॉग में मैं 3 बार बाहर निकली हूँ। फ्रेंड्स, हमें कोई लेना देना नहीं होता, हम कपड़े चेंज करें, मुँह धोएं, हम तो बस चप्पल पहन के भाग लेते हैं। जैसे कार में होते हैं बैठ जाते हैं। और फिर देखो मेरा हीरो 2 नारियल पानी ले आया, हम दोनों ऐसे रोमांटिक होके पियेंगे, एक हाथ उसने खींच दिया है ब्लॉगिंग करने के लिए। और फ्रेंड्स, आजकल भाभी बहुत प्यार दिखाने लगे हैं, तो फिर मुझे भी दिखाना है इस बार मेरे ब्लॉग्स में अपना प्यार। तो सनी, हम दोनों एक ही नारियल पानी में से पी ले नारियल, सनी ज़्यादा रोमांटिक लगेगा। अरे बेटो तू हट जाना, दिमाग मत खराब कर मेरा, मुझे चैन से पी लेने दे, इतनी गर्मी है, मैं पूरा पीऊँगा नारियल। सनी, मैं अपना पूरा पी जाऊँगी, फिर तुम्हारे में भी स्ट्रॉ लगा लूँ। सनी, अम्मी ये क्या कर रही हो? अरे अम्मी मुझे बिरयानी बनानी है, सनी के मेरे हाथ की बिरयानी खानी है। अम्मी सारी प्रिपरेशन कर दो, प्याज काट दो, सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल दो, और सारे गरम मसाले सब निकाल दो, मैं जाके चम्मच हिला दूंगी ताकि। और यहाँ पे सनी बोलता है गीली बनाना, गीली कैसे बनती है सनी, गीली कैसे बनती है? ऐसे भोली बच्ची मासूम, भैया 16 साल की और लड़के हैं ना। रिजा भी थोड़ी मैच्योर बोलती है, वो तो 19 साल की है, बट महर भी मैच्योर बोलेगी थोड़े दिन बाद। ये अभी तक बच्ची बनी हुई और सनी भाई की कॉपी करता हुआ। आय हाय हाय, जनाब की कॉपी, जनाब 2.0, जनाब 3.0, जनाब 10.0 बनेगा ये। भैया हमारा सनी कोई जनाब से कम है क्या? तो जनाब भैया सनी भाई भी तो बिरयानी चलाते हैं चम्मच से बैठ के ज़मीन पे। तू भी चला, तू भी तो है मर्द इस घर का। इस घर में एक ही तो मर्द है, वैसे भी बाकी तो सारे औरतें ही रह रही हैं। रेहान तो भी बच्चा है, तो तू चला। हाँ, वो अपना बैठ गया सारा चम्मच कड़छी चलाने। हाँ फिर फ्रेंड्स, हमने वॉकिंग भी कर ली। हम आधा घंटा चले हैं, हमने सिर्फ 2 किलोमीटर चले हैं आधा घंटा। और हमारी सांस चढ़ गई। अब हम पूरा दिन सिर्फ खाएंगे और सोएंगे। चलना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो पूरा ज्ञान दे दिया उसने, शायरी वायरी कर दी फालतू की शायरी। फिर सनी को भी सुना रही है वही शायरी। सनी हमने देखो कितनी अच्छी शायरी बनाई। सनी कहता है हाँ बेटा तू बनाती रहा कर, बस तू बोला ही मत कर। तू पैसे दे दे, मेरा पैसे खत्म हो रहे हैं, तेरे को अच्छा सा गिफ्ट दिलाऊंगा। पिछली बार तेरे को आईफोन दिला नहीं पाया था क्योंकि पैसे नहीं देती है तू मुझे। तो यहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हमने बहुत दिनों से बोला था बच्चों को घुमा दे, मेरा मतलब है मेरा मन कर रहा था और मैंने सोचा थोड़ा कुछ बन जाएगा व्लॉग। घर में बोर हो जाती हूँ ना फ्रेंड्स, इसलिए मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये ट्रिप नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो हमें अपना पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो हम मूवी देखने जा रहे हैं और बच्चों को ले जा रहे हैं फ्रेंड्स। फिर वहाँ चश्मा भूल गए थे, फिर हमें दोबारा जाना पड़ा जब हमने दिखाया नहीं। लेकिन हमने बताया मेरी आंखें रह गई। फिर हम इतना अच्छा चश्मा लगाए बिना हम दिन दिखता थोड़ी ना है फ्रेंड्स। और मेहर देखो कैसे देख रही है हमें कि हम क्या लग रहे हैं। और फिर मेहर की तो फ्रेंड्स पहली बार सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रही थी मेहर, तो बहुत खुश थी। ऑब्वियसली बच्चा खुशी होएगा ना। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न दिला दिया उसे, थोड़े कपड़े भी दिला दो थोड़े ढंग के। भाई बेचारी बच्ची 2-3 कपड़े पहन के घूमे जा रही है तब से। नहीं फ्रेंड्स, वो हम बनाएंगे ना अलग से प्रोग्राम, अलग से व्लॉग बनेगा उसके। तो उसमें हम टाइटल देंगे मेहर को दिलाए कपड़े और हमें मेहर को खिलाई आइसक्रीम। तो वो वाला व्लॉग आएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही थोड़ी ना फ्री में दिला देंगे, पूरा कंटेंट शूट करेंगे, मिल्क करेंगे उसे, ताकि हम उसे 10,000 के कपड़े दिलाएं तो 2 लाख कमा भी तो लें फ्रेंड्स। इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हम आपको लगते होंगे बेवकूफ़। आपको क्या लगता है आप ऐसे कमेंट लिख देंगे तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हम चालू अपी है। मेरे तो भाई भी मुझे चालू बोलते हैं। अच्छा, जो ईदी वाला व्लॉग था ना उसमें जो लास्ट का 2-4 मिनट थे जिसमें शोहेब इसको शालू को जो भी है सबा को ईदी दे रहा है, तो खुद ही बोलता है चालू को नहीं मिली, चालू को उसकी मम्मी बोलती है चालू को नहीं मिली। तो चालू शायद इसका नाम है, बिकॉज ऑफ हर नेचर उसको चालू ही बोलते होंगे कि बहुत चालू है तो इसे चालू ही बोलना शुरू कर दो। तो चालू अपी ऐसे ही नहीं पड़ा इसका नाम, सबको पता है बहुत महा चालू है। सनी मेरा हाथ पकड़ ले, सनी ऐसे कर, रोमांटिक शूट करेंगे। बच्चों पीछे से रिकॉर्ड करो, अच्छे से आना चाहिए एकदम रोमांटिक। आजकल भाई भाभी बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। कल भाई ने अपने चम्मच से भाभी को फिरनी खिलाई थी और आजकल भाई भाभी गले भी बहुत लगते हैं। सनी अपन भी लगेंगे, पहले तो हाथ पकड़ के लेके जा मुझे। बच्चों शूट कर लेना ठीक से। तो ये देखिए ये बच्चे बेचारे शूट कर रहे होंगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि ऐसा ऐसा शूट कर ले, तुम खड़े रहो पहले हमारा शूट करो तब तुम्हें मूवी मिलेगी। तो ये सब तो पूरी एक कंडीशनिंग होती है यहाँ पे। ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें फ्री फंड में मूवी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ घूमने और सबा ने मुझे बोल दिया तू जहाँ भी जाए ना भैया तू पूरी रिकॉर्डिंग भेज दिया कर। सबा को मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबा कहती है कि ब्लॉग के काम आएगा, लेकिन सबा को मुझे नजर रखनी होती है। फ्रेंड्स मैं थक गया हूँ, मेरे को कहीं निकलने नहीं देती। फ्रेंड्स मैं बहुत थक चुका हूँ, पक चुका हूँ इस ऐसी औरत से। मैं अपने मौदा में भी जाता हूँ, दोस्तों के घर जाने नहीं देती, मिलने नहीं देती, बोलती जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना, वहाँ फ़ोन करती रहती है। फ्रेंड्स मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ। इतनी गर्मी में काम करूँ या इसके लिए पूरा टाइम अपने मुँह पर कैमरा रख के शूटिंग करता फिरूँ? जब फ्रेंड्स बताओ मेरी हेल्प करो। अरे सनी आ गई, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। और बेचारी रिजा देखो वहाँ पराठे बना रही है और ये सिर्फ अंडा फोड़ के इस पे डालेगी, एग मतलब एग डालेगी तवे पे और बोलती मैं ऑमलेट बना रही हूँ। भाई ये ऑमलेट नहीं बोलते इसको, जो भी है ये बना के इसको बोलते हैं मैं इतना स्पेशल मैं ही बना सकती हूँ। और फिर बोलेगी मैंने तो बना दिया ब्रेकफास्ट। भाई पराठे वराठे बनाओ, पराठे तो इसको शहरी में बनाते बनाते रोना आ जाता था। 2 दिन बनाएगी 3 दिन थक जाएगी। तो कहाँ ये मेहनत करती है, कुछ भी मेहनत नहीं करती है। फिर वो नीचे ले आए उसको रूहान को। आजकल रूहान नीचे आ रहा है भाई, आजकल तो वही सब हम साथ साथ का ड्रामा शुरू हो चुका है। तो रूहान को भी 5-7 मिनट के लिए नीचे भेजा जाता है। रूहान देख रहा है बुआ जी क्या है ये इतना बड़ा मुंह, बुआ जी ये क्या है। बच्चा पीछे हो गया, घबरा गया। बुआ जी भी भैया बुआ जी को भी कोई प्यार व्यार तो है नहीं, बस कंटेंट के लिए शूट करना है, वरना घर का बच्चा हो ना तो इतना प्यार आए सबको। लेकिन यहाँ पे तो सब ऐसे अजनबी सा लगते हैं सब बच्चे को देख के, और बच्चा भी कोई रिएक्ट नहीं करता इनको देख के। ऐसे बच्चा भी नहीं होता कि मैं इनकी गोदी में जाऊँ। फ्रेंड्स हम तीसरी बार निकल रहे हैं घर से। और फ्रेंड्स मेरी चप्पल नोटिस कर लेना, ये गोल्डन वाली जो पहनी है, क्योंकि अभी वहाँ जाके मेरी चप्पल बदल जाएगी फ्रेंड्स जादू से। ऐसे हमारे बहुत सारे जादू होते रहते हैं, कभी टी शर्ट बदल लेते हैं रजाई में, कभी चप्पल बदल लेंगे हम वहाँ जाते ही। हम दिखाएंगे थोड़ी ना, सब कुछ थोड़ी ना दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने पूरा सिंक करके सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। सनी रुक जाए, मेरी वाली सीढ़ी पे पाँव रखना था, फिर से करेंगे। अरे ये 10वीं बार करवा रही है तू। सनी ऐसे थोड़ी ना बनती फिल्में, वापस पीछे यार, दोबारा से करेंगे। अच्छा चलो भाई नीचे चल पड़े। वहां जाके सनी थोड़ा पास में बैठना, मेरे रोमांटिक होना है, भाई भाभी भी तो हो रहे हैं आजकल। अरे विंडो में बैठ जाना तू। नहीं सनी मैं बीच में बैठूंगी, सनी तू मेरा है सनी। उसके बाद बेसिकली जा रहे थे कहीं काम से और क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे थे सामान लेने। रेस्टोरेंट का सामान पे ये पता नहीं कितने महीनों निकालेंगे कि रेस्टोरेंट का सामान लेना है। और वहाँ पे एक नया रास्ता बना है, उसमें से जाएंगे सनी, मुझे घबराहट हो रही है। तो एक टनल बनी हुई थी, उसमें से निकल रहे थे, तो उसका ज्ञान चल रहा था। मुझे लगा कोई हवाई जहाज वाला रास्ता है, मुझे लगा उड़ के जाएंगे। भैया इतना मत दिमाग लगाओ अपना, इतना दिमाग नहीं, पब्लिक भाग जाएगी। जो 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, वो भी भाग लेंगे तुम्हारे। अभी किसी तरह 3.5 पे 3.5 टिके हुए तो हैं, तो थोड़ा बहुत झेल तो लेते हैं। इतना ज़्यादा बेवकूफ़ियों के प्रदर्शन करोगे तो पब्लिक सीधा सीधा निकल लेगी पतली गली से, फिर रोगी तुम्हारे। अब वापस आ जाओ, ईदी दे दो हमें सब्सक्राइब करके ईदी। सनी ये कौन सी जगह लेके आ गया मुझे, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जहाँ मुझे कोई पहचान नहीं रहा, मैं अकेली सड़क पे घूम रही हूँ, मेरे आसपास कोई आ नहीं रहा है। सनी मुझे घबराहट हो रही है, मुझे वापस जाना है। मुझे तो सिर्फ मीरा रोड में नहीं पहचानते लोग, बाकी तो दुनिया में सब जगह पहचानते हैं। सनी ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली इसे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर लास्ट में 2-4 लोगों ने देखा इसे और 2-4 लोग इसके आसपास आए, वरना इसे कोई भाव दे नहीं रहा था। यहाँ पहुँच गए लाइट की दुकान पे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के ऐसी इन्होंने लाइट की दुकान निकाली, जिसके लिए ना 1.5 घंटा जाना पड़ रहा है। लाइट के नाम पे पता नहीं कितने ब्लॉग बना चुके हैं, हर दुनिया की लाइट की दुकान पे पहुँच जाते हैं। ऐसे पता नहीं कौन सा 5-स्टार 7-स्टार रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। लगता नहीं मुझे सनी का मन लगेगा, जो 1.5-2 साल से घर बैठा हो ना इंसान, उसका कोई मेहनत करने में मन लगता भी नहीं है। और ये बंदा देख रहे कहाँ से चमन लोग आ गए, ब्लॉगिंग करने आए हैं, कौन सी इतनी महंगी लाइटें लेंगे। इनकी हालत से दिख तो नहीं रहा कि कुछ लेंगे और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सनी एक जादूगर अंकल मिल गए, मैंने जादूगर सीख लिया। अंकल मैं भी बहुत जादूगर हूँ, मैं ना 10,000 रुपये खर्च के 2 लाख रुपये कमाती हूँ 24 घंटे के अंदर, मैं कर सकती हूँ ऐसा। अच्छा बेटा कैसे करती हो वो। कुछ नहीं, कैमरा लो, ऐसे ऐसे घर में घुमाओ, अम्मी बेटी खाला रिजा इन सब की 5-5, 2-2, 3-3 मिनट की हरकतें दिखा दो, फिर अपना थोड़ा बचपना दिखा दो और सनी से थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखा दो। बस रातों रात वो 2 लाख में बन जाते हैं एक ही रात में। तो ये मेरा जादू है। अंकल आपका जादू कौन सा है। सनी देखो मैं जादू सीख के आई हूँ अंकल से, ताश वाला। फिर हम चैलेंज करेंगे, मैं 5 व्लॉग निकालूंगी हर रोज एक नए जादू से। अंकल ये बहुत अच्छा काम सिखा दिया आपने मुझे। सनी मैं थक गई, इतना बोल बोल के प्यास लग रही है। मैं लेट मी रिकॉर्ड माई सेल्फ सनी। पहले पानी पी लूँ या पहले रिकॉर्ड कर लूँ। नहीं रिकॉर्डिंग जरूरी है, पहले मैं रिकॉर्ड कर लूँ। पानी भी दे दे। जब हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स, पानी पीते हुए ऐसे आंखें चढ़ाते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। सनी इतनी गर्मी है, कैसे जिंदा रहते हैं लोग एसी के बिना। फिर आ जाते हैं अपने नॉर्मल दुकान पे, ये मोहम्मद अली रोड वाली दुकान पे। जो पहले तो गए थे औकात से बाहर वाली दुकान पे, स्टाइलिश दुकान पे गए थे। वहाँ पे नहीं बहुत महंगा है सनी, ये बहुत महंगा है। तो नौटंकी कर करा के आ गए क्रॉफर्ड मार्केट एरिया से मोहम्मद अली पे। फिर वहाँ बर्तन वर्तन देख रहे, फिर खुद ही मेलामाइन के लिए या क्रॉकरी के लिए या स्टेनलेस स्टील के लिए। फ्रेंड्स आप बताना भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट किस लेवल का, उस पर डिसाइड होता है। तुम्हारे एकदम छोटा लेवल का रेस्टोरेंट है तो अलग टाइप की क्रॉकरी होगी, एकदम हाई लेवल का रेस्टोरेंट है तो अलग लेवल की क्रॉकरी होगी। फ्रेंड्स सारे बंदों ने कि हम आपके सब बहुत बड़े फैन हैं, तो सबने हमारे साथ फोटो खिंचानी थी। मैंने कहा नहीं मैं सबके साथ एक एक नहीं खिंचाऊंगी, सब लोग खड़े हो जाओ। और फ्रेंड्स मैंने इस बार ध्यान रखा, आप लोग बोलते हो ना मुझे लड़कों के साथ, तो मैंने सिर्फ सनी के साथ खड़ी। मैं मन कर रहा था बीच में खड़े होने का, सनी ने पकड़ के खींच दिया मुझे, साइड में खड़े हो जा। देखो फ्रेंड्स ऐसा करता है सनी, मेरे को लड़कों के साथ फोटो खिंचाने नहीं देता। मुझे इतना अच्छा लगता है सब लोगों के साथ, लड़कों के साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ रहना, उनके साथ गप्पे मारना। सनी मुझे बिल्कुल नहीं करने देता, कहता तुम हिजाबी हो। फ्रेंड्स उसे मैंने कितनी बार बोला मैं हिजाबी नाटक के लिए हूँ, यूट्यूब के लिए हूँ, वो मानता ही नहीं है। कहता है कि नहीं फिर भी ना मैडम के साथ नहीं मिलोगी, ना मैडम से बातें नहीं करोगी। फ्रेंड्स मैंने उसे हमेशा बोलती हूँ मुझे ना मैडम से बातें करके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और फ्रेंड्स ये देखो मेरी चप्पल, जादू से चप्पल बदल गई। मैंने कहा था ना जादू से हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं, चप्पल भी बदल जाती है। तो हम ये नहीं बताएंगे आपको कहाँ पे क्या हुआ, लेकिन हमारी चप्पल बदल गई फ्रेंड्स। हम स्टाइल मार के निकलते हैं लेकिन फिर हमें अपनी औकात पता चल जाती है कि हम अपने कंफर्टेबल फ्लैट चप्पलों में ही जी सकते हैं, हम थोड़ा भी स्टाइलिश नहीं हो सकते फ्रेंड्स। हमने यहाँ भरपेट खाना खाया था और फिर हमने उनका प्रमोशन कर दिया और पैसे भी नहीं देने पड़े। तो कैसा लगा हमारा आइडिया? तो हम सेलिब्रिटी हैं मौदा की और मीरा रोड की, ऐसे वैसे थोड़े ही ना, हम कुछ बन गए हैं। अब देखो अम्मी बन गए हैं ना। हाँ बेटा बन गई हो तुम, ये लो अनार खा लो बेटा। अरे अम्मी इतना सारा अनार कटोरी में तो नहीं बेटा, तुम तो सेलिब्रिटी हो, हमारे घर की भी इतना सब करती हो, तो तुम्हारे लिए तो हम एक टांग पे खड़े रहते हैं। जैसे ही तुम आने वाली होती हो छील के अनार संतरे तुम्हारे लिए रख देते हैं। ये देखो ऐसा तो ट्रीटमेंट होता है। अरे हम निकल रहे हैं फिर से घूमी घूमी करने, ये हमारा 4th ट्रिप है घूमने जाने का इस ब्लॉग का, क्योंकि हम क्या करें इसके अलावा कुछ है नहीं ना हमारे पास। ना हम ट्रैवल करते हैं कोई, ना हमारे घर में कोई आता है, ना हम किसी के घर जाते हैं, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना हमारे कोई फ्रेंड्स हैं। हम आप ही को फ्रेंड फ्रेंड बोल देते हैं लेकिन असली फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, और ना हम कुछ और करते हैं जीवन में। तो सिर्फ हम ये 4-5 लोग और शॉपिंग करते हैं। तो ये हमारा 4th ट्रिप है। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास फ्रेंड्स, और हम चाय पीना, घूमना फिरना, खाना ये हमें बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो हम बैठ के चाय पियेंगे, सुड़ुक 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 करके पियेंगे फ्रेंड्स। आपको कैसी लगती है आवाज़ बताना, अच्छी लगी तो हम और सुड़ुक 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 कर देंगे थोड़ा लंबा लंबा। और यहाँ पे जैसे आती है अम्मी पूछती है, नानी पूछती है कोई खुशखबरी है, बोलती है नहीं खुशखबरी के लिए तो बार बार जाना पड़ेगा। तो ये ना स्पेकुलेशन क्रिएट करती रहती है कि प्रेगनेंसी का लोगों को इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरी बात जैसे ही आते ना यहाँ बेटी खाला अपनी ये मेहर की कंप्लेंट करते हुए कि ये से सारे टाइम वाईफाई से फ़ोन चलाया है। अरे भैया तुम्हारी बेटी वाईफाई से फ़ोन चलाती है, सारे दिन फ़ोन पे बैठी रहती है, आईपैड है इसके पास, इतने सब हैं, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और मोहदा में भी कंप्लेन कर रही थी इसको और मत दिलाना, बस इसको और मत दिलाना। अरे भाई तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारा ही फायदा होता रहेगा, ये भी वैसे ही बहन भाई की बेटी है तुम्हारी, उसका भी तो ध्यान रख लो। अगर वो आई है थोड़े दिन गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी ना आई है, अगर वो फ़ोन चला भी लेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट नहीं, हमें ही फ़ायदा हो जाए। रिजा भी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसको खुद नहीं पसंद आ रहा कि कोई और क्यों आ जाए, इन लोगों को लगता है बस हमें फ़ायदा मिलता रहे और किसी और को कुछ फ़ायदा हो ही नहीं। यहाँ पे बेटी खाला तुम यहाँ पे सारे छील दो, अम्मी ला बेटा तुझे मुंह में खिला दो, तू तो हमारी राजकुमारी है, तू तो हाथ में मत हिलाया कर, बस बैठी रहा कर, तेरे मुंह में खाना खिला देंगे। तो बेटी खाला यहाँ सारे पिस्ते बादाम वगैरह छील रही है, काट रही है, ताकि वो महारानी जी आएँ और 2 बार करछी हिला दे, क्योंकि उसने बोला है मैं शीर कुरमा बनाऊँगी। भाई ईदी कर रहे हैं तो भाई कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, फिर ब्लॉग भी कैसे बनेगा, एक रेसिपी का ब्लॉग भी डालना है। तो उसने अपना शीर कुरमा बनाने के लिए तैयारी कर ली। फिर यहाँ दूध उबाल दिया बेटी खाला ने, बेटी खाला बेचारी बर्तन मांज रही है, सारा सब काट पीट के दे दिया। अब यहाँ पे देखो दूध पे ऐसे फूंक मार रही है। अरे गैस बंद कर दो ना, हाथ से हाथ हिला देते हम लोग, तो जैसे ना दूध उबलता है तो हाथ ऐसे ऊपर से हाथ मार देते हैं और नीचे चला जाता है झाग उसका। बट ये फूक फूक मार रही है, मुझे भी लगा ये अनहाइजेनिक है थोड़ा, मतलब कई लोग करते हैं ठीक है चलो करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर हो तो थोड़ा ध्यान रखो, ये सब ना दिखाओ अगर करते भी हो तो। फूक के साथ तुम्हारा थूक भी जा रहा होगा उसमें, आई एम श्योर, जिस तरीके से तुम्हारे काम है ना थूक भी आराम से जा रहा होगा बात करते करते सारे दिन। तुम क्या हुआ थूक जा रहा होगा, तो हमारा गुटके वाला थूक थोड़ी ना है। देखो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसे ऐसे घी में तल देंगे, तभी तो घी पे इतना तैर गया था हमारा शीर कोरमा पे घी। भैया बहुत मावे वावे डालने लगे आजकल बहुत। फ्रेंड्स हमने आपके पैसों से इतने मावे खरीदे और इतने मावे डालते हैं हम लोग, मेवा डालते हैं, मेवा बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स को जो भी है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हम इतना मेवा डालने लगे हर चीज़ में। यहाँ देखो अपनी माँ की बेइज्जती करते हुए कह रही है देखो फ्रेंड्स अपनी मेरी अम्मी की सच्चाई, यहाँ पे अम्मी को ईदी देनी है ना, तो अम्मी ईदी हमसे मांग रही है। तो मतलब ये दिखाना चाह रही है भैया हम ही सारा खर्चा उठा रहे हैं, हम ही इनको पैसे देते हैं, हमारे पैसों को ये बांटती रहती हैं। मतलब कितनी बेशर्म इंसान है जो अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है ऐसे। तो ऑब्वियसली माँ कहाँ से लाएगी, माँ कोई कमाती थोड़ी ना है, कहाँ से लाएगी माँ। तो अगर बच्चे दे भी रहे हैं तो इसमें क्यों दिखाना है तुम्हें। और बच्चे भी कौन सा बहुत मेहनत का कमाई करके पत्थर तोड़ के सड़कें बना के नहीं ला रहे हैं, घर में बैठे के इनको शूट करके ही कमा रहे हैं, इनके हक का पैसा मांग रही हैं वो, बल्कि उन्हें मांगना भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप ही दे देना चाहिए कि माँ ये तुम्हारे हक का पैसा है, कि जो तुम्हें 50 बार सलाम करवा करवा के जो कमा रही हूँ ना मैं, ये आपके हक का पैसा है। बट नहीं, बेइज्जती करनी हो ना इसे सबसे पहले करती है ये दूसरों की। तो यहाँ पे बेसिकली अम्मा ने पूछा होगा कितना पैसे दे, क्या क्या दे, ऑब्वियसली पूछेंगे ही ना कि कितना कितना दे ताकि ठीक लगे, डिसेंट लगे। तो डिसाइड कर रहे थे उसमें, वो थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे। बेटी खाला, नहीं मैं तो पूरे 1000 लूंगी, नहीं तो मैं 500 मिलेगा, नहीं मैं 1000 लूंगी। और यहाँ पे सनी तो एकदम अनइंटरेस्टेड था, सनी फैल गया, भैया ईदी तो हम मना चुके, ईदी तो हम कर चुके, दे दी जिसको हमने ईदी देनी थी। और ये भी ऐसे शेड करिए अपने भाई को कि हाँ फ्रेंड्स ईदी अब मना रहे हैं, इन लोगों ने आपस में किसी ने एक दूसरे को ईदी देनी थी और फिर हमने तो दे दी थी, हम लोग पता नहीं भाई वगैरह ईद मना रहे हैं अभी। और फ्रेंड्स भाई ने तो व्लॉग बना लिया था, फिर उन्हें बहुत गालियाँ पड़ी कि अरे ईदी तो दी नहीं, तुम्हारी मम्मी तो खा पी के निकल गई, ऐसे तुमने किसी ने ईद पार्टी नहीं। तो फिर भाई आए थे नीचे कि हम ईदी मनाएंगे, तो सब लोग आ जाना तैयार व्यार होकर, थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर हम ईदी मनाएंगे। तो ये देखो भाई, और भाई को तो आपने देख ही लिया होगा, भाई ने हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि तुम पहले मत डाल देना, वरना मेरे को खुजली तो बहुत हो रही थी, लेकिन भाई ने दी थी स्ट्रिक्ट वार्निंग कि डाल मत देना, मैं ही डालूंगा पहले। तो फिर भाई ने ब्लॉग डाला था, आपने देखा ही होगा। तो भाई पता नहीं कुछ कुछ बोल रहे थे, फ्रेंड्स यहाँ पे आके ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हम तो चले गए अपना कटोरा लेके, मेरा मतलब है शीर कुरमे का कटोरा लेके। तो जैसे फ्रेंड्स हम कटोरा लेके पहुंचे ना, भाई हमें शूट करने लगे। देखो भाई के पास भी व्यूज कम हो गए, हम सेलिब्रिटी हैं, हम सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने घर में, तो हमें शूट करते हैं भाई भाभी दोनों मिलके। तो भाई देखो कितने प्यार से हमें शूट करते हुए और हम भाई को शूट करते हुए, हमारा प्यार ऐसे ही चलता है, भाई हमें शूट कर लेंगे, हम भाई को शूट कर लेंगे, तो मिल बांट के खा लेते हैं जो आप लोग देते हैं। फ्रेंड्स फिर हम बैठ गए इफ्तारी के जैसे, और अभी हमने कटलरी निकाल ली है, कांच की प्लेटें, कांच के बाउल। अब हम वो पेपर प्लेट में नहीं खाते फ्रेंड्स, जैसे इफ्तारी में खाते थे, क्योंकि फ्रेंड्स इफ्तारी में तो 2-4-5 लोग अलग होते थे ना, ये अकरम धर्म दादा ये सब लोग होते थे, तो फिर हम उनके लिए ऐसी प्लेट्स निकालते थे सजावट करने के लिए। अभी घर के लोग हैं तो हम, भाभी ने बोला कि आज खा लो तुम इनमें, आज हमें थोड़ी इज्जत मिल गई। सनी ने बहुत इज्जत दिलाई है हमें, और हमने सनी को यहाँ पे इज्जत दिला नहीं पा रहे हैं, बट कोशिश करते हैं, लेकिन वो इज्जत लायक है नहीं फ्रेंड्स। और फिर देखो फ्रेंड्स बच्चे से खेल रहे हैं सब लोग, और भाई अपना एडिटिंग करने में लगा, अपना व्लॉगिंग करने में लगा। और भाई देखो भाभी को अपने चम्मच से खिलाएगा यहाँ पे अम्मी के सामने, अम्मी सामने बैठी थी, भाई को शर्म नहीं आई। और भाई ऐसे ये सब करना हराम है फ्रेंड्स, लेकिन हम जो करें वो चलता है फ्रेंड्स, और हम भी करेंगे अभी, हम भी, आप देखना सनी हमें खिलाएगा अपने चम्मच से, नहीं खिलाएगा तो हम पीछे पड़ जाएंगे, सनी खिलाना। देखो यहाँ पे एक जेन्युइन मुझे लव दिखता है इनके उसमें ना, पूरे में एक सनी को सबसे ज़्यादा संतुष्टि और खुशी मिलती है इस बच्चे के साथ खेलने में। सनी ना पूरे टाइम इधर से उधर पका रहता है, 4-5 औरतें इतना क्या 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 करती रहती है, और बस सारे टाइम जबरदस्ती शूटिंग करते रहते हैं ये लोग, इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बच्चे के साथ जब भी होता है ना, इसका लगता है कि हाँ नेचुरली ये खुश है अब थोड़ा सा। ये देखो भाई ने सनी को 500 या 1000 रुपये दिए, देखो फ्रेंड्स, और भाई ने भी शूट किया और हमने भी शूट किया, भाई हम एक दूसरे को शूट करते हुए। और फ्रेंड्स अम्मी ने हमें 1000 रुपये देते, भाई को 2000 रुपये देते, अम्मी हमेशा ऐसे ही करती है फ्रेंड्स। लेकिन हमारी तो सेटिंग पहले ही थी, किचन में अम्मी ने बता दिया था कि हम भाभी को और भाई को इतने देंगे और हाँ तुम्हें इतने देंगे। मैं ऐसे ही फैल गई थी, नाटक कर रही थी, मुझे सब पता था मुझे इतने ही मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स हम ये 5वीं बार निकले हैं व्लॉग में, हमने काउंट कर लिया था फ्रेंड्स, आज ये 5वीं बार है। बच्चों को लॉन्ग ड्राइव पे, मेरा मतलब है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, घबराहट हो रही थी बहुत कि आज मैं सिर्फ 3 या 4 बार निकली हूँ। तो फ्रेंड्स ये 5वीं बार निकल रही हूँ मैं, और फिर हम ऐसे नया वाला चश्मा भी लगा लिया फ्रेंड्स, बताना कैसा लग रहा है। और ऐसे बच्चे पीछे बैठे हैं सब भर के, हम घूम फिर के आएंगे, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के आएंगे। अभी हमने 2 किलो वजन कम किया, तो 4 तो बढ़ाना ही है ना फ्रेंड्स, एक हफ्ते के अंदर मौदा में कम हो जाता है डर के मारे, घबराहट के मारे। तो हम फ्रेंड्स देखो, ये देखो टोरी फ्रेंड्स, ये पता है किसका है, गौरी खान का है, लेकिन हमारी जाने की औकात नहीं है, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन वहाँ बार है फ्रेंड्स, बार पता है ना जहाँ पे अल्कोहल मिलती है, शराब मिलती है, हराम बहुत है, लेकिन हमारा मन बहुत करता है वहाँ जाने का। कहते हैं उसमें बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन फ्रेंड्स हम तो देसी खाना खाने वाले, हम बिरयानी खाने वाले लोग हैं, हमें बिरयानी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। तो वहाँ पे तो पता नहीं क्या मिलेगा, फ्रेंच, अमेरिकन, इटालियन ये सब मिल सकता है, हमें तो नाम भी नहीं पढ़ने आएंगे फ्रेंड्स, लेकिन सब कुछ ट्राई करना चाहिए फ्रेंड्स, हम आएंगे। देखो गौरी खान कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया था, और हम तो इतने अच्छे भी नहीं लग रहे, लेकिन हम गौरी खान से कम है क्या, हम गौरी खान से ज़्यादा पैसा कमाते हैं व्लॉगिंग में, और वो टोरी से भी इतना पैसा नहीं कमाते होंगे फ्रेंड्स। और फिर हम जाएंगे, लेकिन हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा पैसा। मैं और सनी जाएंगे रील बनाने, और फिर हम बाहर देख के आएंगे कैसा होता है। सनी सब कुछ ट्राई करना चाहिए, सनी बोलेगा बेटा मैं सब ट्राई करता हूँ, मौदा में चिंता मत कर, मैं शादियों में खूब पैसे लौटाता हूँ नाच नाच के, दारू पी के, चिंता मत कर तू। अल्लाह सनी ऐसा कैसे करता है तू, सनी अकेला क्यों करता है, तभी तो दोस्तों के साथ ज़्यादा जाता है। सनी मैं भी जाऊंगी, मैं, मुझे भी नाचना है, मुझे याद आ गया भाई की शादी में मैं कितना नाची थी जोर जोर से उछल उछल के, और मैं टिकटॉक पे भी बहुत नाचती थी। अब मुझे मिस कर रही हूँ वो दिन, मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे, तो अल्लाह मुझे भी ये सब करना पड़ेगा दोबारा से। तो फ्रेंड्स आप बताना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये मेरा महोदा का जहां, और क्या मुझे दोबारा से टिकटॉक पे नाचना चाहिए या नहीं चाहिए। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ, देखो ये हम 5-6 सूट लेके आए थे ना जो वहाँ लखनऊ से फ्री के, वो आज तक हमने गिव अवे करे नहीं है, वो हम कर देंगे फ्रेंड्स, कभी हम अगले रमज़ान तक कर देंगे। हमने बोला था हर रोज़ करेंगे रमज़ान में फ्री का कुछ तो गिव अवे, लेकिन हमने 1-2 कर के अलावा कुछ भी नहीं किया है फ्रेंड्स। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है जब इतने बिजी हो जाते हैं ना कामों में या ब्लॉगिंग में, तो यही होता है फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस, यही था इसका पूरा ब्लॉग। सो बताना आपको कैसा लगा। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।